तो दोस्तों आप शरणार्थियों की भीड़ देख सकते हो, किस तरह की भीड़ है, किस तरह का माहौल है। बिल्कुल एकदम आप देख ही पा रहे होंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिए वहीं पर बस रुकती है दोस्तों, आपको वो बस दिख रही है, उसी एरिया पे बस रुकती है और वहीं से बस से आते हैं लोग, बस जो बस से आ रहे होते हैं। बाकी पैदल आने वालों का भी रास्ता यही है, सेम ही रास्ता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये यात्रा है, मतलब ये यहाँ पे मंदिर के ऊपर दर्शन करने के बाद में वापस आप घर की तरफ प्रस्थान ले रहे, मतलब घर की तरफ जाने की जा रहे हैं मतलब। ओके दोस्तों ये एक होटल है, यहीं कहीं रामदेव होटल है। इधर उतरने के बाद में पहले आपको यही सीन दिखेगा, अगर आप बस से आते हैं तो आपको पहले उतरते के साथ में एक यही सीन दिखेगा। तो कोविड के चलते आप देख सकते हैं जगह जगह मास्क है, यहाँ पर मास्क बिक रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों ने तो मास्क लगा ही रखा है। और ये देखिए आप सीन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं, तो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों काफ़ी लोग। और यहाँ तक भी बसें आती है दोस्तों, जो अगर आप प्राइवेट बस करके लाते हो अपने कहीं से भी तो आपकी बसें यहाँ पर लग सकती है। फ्री पार्किंग है दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्किंग का कोई चार्ज है, फ्री है पार्किंग। एक जगह लिखा हुआ भी था फ्री पार्किंग, तो दोस्तों फ्री है इधर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पार्किंग वार्किंग का भी पैसा नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या सीन होता है। चलिए तो दोस्तों ये थोड़ा सा इधर मार्केट टाइप का ही है, इधर से आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो, जैसे कि अगर अपने घर पर ले जाना हो तो ये देख लिया आप, इसके अंदर ये देखिए माला वाला, बच्चों के लिए खिलौने विलौने, मिट्टी के आइटम भी हैं यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि कैसा है, मतलब क्या सीन रहता है। और आपको अगर आते हो आप तो आप देख लीजिए कि कैसा माहौल है अभी, ये आप माहौल देख ही सकते हैं कि यहाँ का माहौल किस तरह का है। रामदेव समिति, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं दोस्तों, ये प्रसाद की चल्लू हो चुकी है। ये पूरा मार्केट है दोस्तों, आपको ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये दोस्तों अगर आप फोटो वोटो खिंचवाना चाहते हैं रामदेव जी के, मतलब उसके साथ में, तो आप खिंचवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या यही है रास्ता मंदिर का ना, ये भी रास्ता है। देखिए दोस्तों दो रास्ते हैं, इधर से बाहर आने का रास्ता है और आपको कुंड भी दिखाएंगे अभी, यही कुंड का रास्ता है जहाँ तक है। सो दोस्तों अभी ये देखिए यहाँ से है मेन मंदिर का रास्ता, जो मंदिर के लिए जा रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह की भीड़ है दोस्तों, बहुत ही गजब पब्लिक, मतलब बहुत ही तगड़े लेवल पर आई हुई है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। बहुत ही गजब भीड़ है और ये भीड़ का होने का कारण भी है दोस्तों, यहाँ के पर्चे बहुत फेमस है बाबा के, यही चीज़ है। और देखिए दोस्तों अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये जो है अंदर एक कुंड है, मतलब क्या कहते हैं उसे, सरोवर टाइप का है, तो उसके अंदर अभी जाएंगे, देखते हैं क्या सीन होगा। अभी तो जाएंगे इसके अंदर थोड़ी देर में और देखते हैं आगे का क्या सीन है। बाबा के चलते हैं मंदिर पे पहले, फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि हम पहले कुंड की तरफ जाएंगे, जो भी ये सरोवर है, आपको पहले सरोवर दिखाते हैं दोस्तों कि किस तरह का है सरोवर, किस तरह का सीन है। पब्लिक है इधर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों,
क्योंकि आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों अपने तरुण भैया आ रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ें मिलती है। अभी हम थोड़ी देर में इनका रेट सेट भी पूछ के बताएंगे कि क्या रेट वेट रहता है, क्या मामला है, और हुआ कुछ पसंद आया तो ज़रूर लेंगे भी दोस्तों। काफ़ी हद तक दोस्तों ये काशी ऐसी टाइप का लग रहा है मेरे को, मतलब सेम जैसे अपने काशी तीर्थ स्थल है और भी जो जगह है उनों की तरह ही है दोस्तों इसकी मान्यता। ये देखें और भीड़ का इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों भीड़ किस लेवल की है, और ये तो अभी का टाइम है। ये देखिए दोस्तों क्या है, कब से कब तक मंदिर खुलेगा, जो भी सीन रहेगा मैं आपको बता दूंगा टोटल दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको टैटू वेटू का शौक है तो ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों टैटू वेटू बनवाने का शौक है तो आप यहाँ पे टैटू वेटू भी बनवा सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए परमानेंट नहीं बनवाना है तो दोस्तों ऐसे नकली भी छपवा सकते हैं आप, एक दो दिन तक रहता है वो। देखिए दोस्तों घाट का ही सीन है। तो हम चलने वाले सरोवर की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों तालाब के घाट पर भोजन बनवाना व करना सख्त मना है। देखो यहाँ पर खाना वाना खाना मना है दोस्तों। और सरोवर के यहाँ पर नहीं, अब मंदिर में आप जाएंगे मेन मंदिर में। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा घाट है, बहुत ही बड़ा है। आप भीड़ देख ही सकते हैं दोस्तों कि भीड़ किस लेवल की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नज़ारा, हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं आपको पूरा नज़ारा दिखाने के लिए, पूरी जो मतलब लोकेशन है यहाँ से पूरी दिख जाएगी।
पूरी तो शायद ही दिख पा दोस्तों, मुझे अब थोड़ा सा यकीन टूट रहा है, लेकिन हाँ देखते हैं क्या सीन है। लगभग लगभग आपको दिख ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अभी इसके अंदर माइक में बोल रही है COVID-19 के नियमों का ध्यान रखें और तालाब के अंदर ज़्यादा गहरा स्नान ना करें, ये बोला जा रहा है दोस्तों। दोस्तों ये जो सरोवर देख रहे हो आप, इस सरोवर का नाम है राम सरोवर। ये बाबा रामदेव ने स्वयं मतलब इसको बनाया था, जो भी था, मतलब इसको निर्माण उन्होंने किया था बाबा रामदेव जी ने। अब देखिए दोस्तों, और ये सरोवर देख रहे हो आप कितना विशाल का है, कितना बड़ा है और कितना बढ़िया भी है। देखिए दोस्तों, आराम से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और इधर से स्नान करने के बाद में जाते हैं ना मंदिर में। हाँ भैया, इसमें स्नान करने के बाद में लोग बाग मंदिर में जाते हैं, ये मान्यता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर धूप धूप टाइप की चल रही होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों हमने चश्मा ले लिया जिसकी तलाश थी वो चीज़ ले लिया दोस्तों हमने। भाई ने ये वाला चश्मा लिया है और तुम्हारे भाई ने ये वाला चश्मा लिया है दोस्तों। बताना धक्का दे के नहीं, मतलब कैसा है, ठीक है या नहीं है, ये बताना दोस्तों। और ये चश्मा हमें भाई ने दिलाया है, और आप मार्केट देखिए दोस्तों कितना मतलब अलग ही है दोस्तों। मार्केट भीड़ बहुत जोरदार है मार्केट के अंदर, पब्लिक भी है, मार्केट भी मस्त है क्या दोस्तों। और यहाँ पे आपको लगभग बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तो भी आपको लेने की होगी, मतलब बैग वैग है, फोटो वोटो खिंचवानी है, उसका जुगाड़ है, सारे जुगाड़ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, झंडे हैं, कपड़े हैं, पर्दे हैं, फोटो खिंचवानी है तो दोस्तों उसके लिए एक अलग ही दुकान है दोस्तों। ये देखिए अंदर कारवार लगा रखी है, जिप्सी विप्सी, ये देखिए दोस्तों ऐसा जुगाड़ है, कुछ ताजमहल है, बुलेट है दोस्तों, जिसके ऊपर फोटो खिंचवानी दोस्तों, ऐसा सीन रहता है दोस्तों। ये देखिए, अगर तलवार वलवार के शौकीन हो दोस्तों तो ये देखिए, तलवारें हैं, चाकू है, कटारे हैं, बंदूकें हैं, अब पता नहीं इसका क्या सीन रहता है दोस्तों, देखते हैं क्या सीन होएगा। लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर जाएंगे क्या। तो देखिए दोस्तों, जा रहे हैं रास्ते से होते होते भीड़ के साथ में मिलते हुए। दुकान है आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा मार्केट का व्यू दे रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शायद दरवाजा है या फिर यहाँ से एक मोड़। हाँ देखिए दोस्तों, अभी आगे का दिखाते हैं आपको, यहाँ का जो भी सीन है, यहीं पे चप्पल उतारेंगे दोस्तों सभी जने। आप चप्पल की भीड़ देख सकते हो दोस्तों कितनी खतरनाक है, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता है ऊपर चल के मंदिर है अंदर, और यहाँ से भीड़ देखिए दोस्तों। बैग लेके जा सकते होंगे ना, किसी दुकान वाले को दे देंगे, बदलाव है ले जाए, चलो सही है। तो मुझे दोस्तों, कौन सा डी है ये? 5300 है, 53,000, 5300, 5300। लो आप अभी दे दो मेरे को, मैं दे दूँगा आपको, है ना। तो दोस्तों ये हमने लिया है प्रसाद अंदर के लिए, अब देखते हैं भाई कह रहा है अंदर लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बैग रखवा क्या। हम यहाँ से चलने वाले हैं, तो देखिए
खाने यहाँ पर भी है दोस्तों। आए चश्मे वश्मे ऐसा कुछ आइटम लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मास्क लेना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, ये चीज़ तो ये मास्क लगाओगे तो अपनी सेफ्टी है दोस्तों। अब हम अंदर आ चुके हैं। क्या सीन है? भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खतरनाक भीड़ है। क्या कह रहे हो? द्वार से दोस्तों अंदर आने का सीन है। अभी हम इसी से अंदर आए थे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। पुलिस पुलिस है यहाँ पे, मतलब ऐसे तो है सारी सर्विस। आराम से यार, देखिए दोस्तों शायद यहाँ भी ऐसा वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम है। भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खतरनाक भीड़ है। क्या
जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? घूम के जाना नहीं। हाँ इस द्वार से दोस्तों अंदर आने का सीन है। अभी हम इसी से अंदर आए थे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पुलिस पुलिस है यहाँ पे, मतलब सारी सर्विस आराम से यार। देखिए दोस्तों शायद यहाँ भी ऐसा वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम है। देख सकते हो कितनी लंबी है, आई थिंक तो हजारों की संख्या में लोग हैं। नियमों का पालन तो जरूर करें क्योंकि ये भी जरूरी है। ये देखिए दोस्तों और जेब कतरों से सावधान ही रहे दोस्तों, जगह जगह लिखा हुआ भी है, अंदर मंदिर के अंदर भी लिखा हुआ है मेन मंदिर में। तो बाहर आने का सीन इस वाले दरवाजे से जो सामने आपको दिख रहा है, इधर से आकर हम सीधा यहाँ पर आए और ये रामप्रसाद घाट का दूसरा वो है, मतलब यहाँ से भी आप स्नान कर सकते हैं। बोट राइडिंग करनी है तो बोट राइडिंग पे जा सकते हैं आप। देखिए दोस्तों भीड़ आप देख ही सकते हो दोस्तों किस लेवल की है। बोलो।